हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर देखिए, हम पोटली बटन लेकर आए हैं। तो अब ये कपड़ा लिया है और इसे इस तरीके से हमें बिल्कुल अक्सार कर लेना है और इसे हमें राउंड शेप में कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी डबल लेयर कपड़ा है। ठीक है, और इसे हमने बिल्कुल राउंड शेप में कट कर लिया है। अब हमें सुई धागा लेना है और इसमें से इस तरीके से चारों तरफ से इसे निकालना है राउंडली। ठीक है, तो इसमें भी डबल लेयर कपड़े से बना रहे हैं हम। अगर आपके पास हैवी थोड़ा कपड़ा है तो आप एक लेयर कपड़े से ही बना सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे पूरे को हमें राउंडली निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया है और हम यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करेंगे जो हमारे कुर्ती वगैरह में फॉर्म निकलता है इसके। ठीक है, आप चाहे तो कपड़े की कटिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें हमने छोटी छोटी कटिंग करके इसको अंदर कर लिया है और बिल्कुल अच्छे से टाइट खींच करके इसे बांध लेना है। बिल्कुल इसे अच्छे से हम बांध लेंगे। ठीक है, बिल्कुल टाइट करके। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो 20 सेंटर से हमने सुई को निकाला है और इस तरीके से धागे को इसके ऊपर ले लिया है। फिर इधर की साइड से निकालेंगे और इधर की साइड टाइट से खींच के बांधेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इसमें इसको बिल्कुल 20 सेंटर से सुई को निकालते जाना है और यहाँ पर इस तरीके से बांधते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल टाइट से खींच खींच करके इसे हमें बांध लेना है। अब इसके बीच में हमें एक मोती लगाना है। ठीक है, जितना भी आप इसे टाइट करके बांधेंगे उतना ही इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप कोई भी कलर का छोटा सा मोती ले सकती हैं या फिर बटन ले सकती हैं, जो छोटे वाले बटन आते हैं शौकीन। तो यहाँ पर हम ये छोटी सी मणि डाल लेंगे और इसे इनको नीचे की तरफ निकालेंगे और अच्छे से बांध देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा हमारा बटन बनके कंप्लीट है। ये किस तरीके से बनाइए हमने आपको बता दिया है। इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। आप इसे किसी भी ड्रेस के ऊपर यूज कर सकती हैं। ठीक है, कुर्ती, कमीज, फ्रॉक या ब्लाउज, किसी भी चीज़ पे आप इसको लगा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।